आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसी कॉम्बिनेशन को ही आगे बढ़ाते हैं। पहले आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, आप जो घर से बनाइए। उससे पहले मैं आपको जो भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि पहला हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आर ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाता था, हम लोग यदि एन रेसिस्टर को जोड़े हुए सीरीज में तो अल्जेब्रिक सम के बराबर हो जाता था उनके, मतलब केवल सीधे सीधे जोड़ देना है आर ई क्यू निकल जाएगा, ठीक है। यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था तो 1/REQ हमने किया इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 up to 1/RN, मतलब सबका रेसिप्रोकल करके ऐड करके फिर फाइनली निकालना। ध्यान रखिए कि ये 1/REQ है, हम लोगों को क्वेश्चन में चाहिए होगा REQ, मैं बताऊंगा कि कैसे होगा आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा। ये तो दो चीजें होंगे। तीसरी बात याद रखना है हमेशा कि सीरीज जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे होगा, तो कंसेक्यूटिव कनेक्शंस होंगे, रेसिस्टर कैसे लगे होंगे, लगातार लगे होंगे। और दूसरी बात कि इस केस में क्या होगा, हमारा करंट जो है वो कांस्टेंट होगा, करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा करंट। यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तो इसमें टर्मिनली लगाना होगा हमको, टर्मिनल्स मैंने बताया था आपको ऐसे ऐसे ऐसे, अब यहां से निकालते चले जाइए जितना रेसिस्टर को लगाना है, और एक तरफ इधर टर्मिनल कर दीजिए ऐसे 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 ऐसे, और ये चारों को मान लीजिए जुड़ गया, यहां से कोई आएगा तो वो बीच में जुड़ जाएगा, यहां से एक जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा। तो आप लोग गौर कर रहे हैं दो टर्मिनल्स हैं, और ये टर्मिनल किसके से कनेक्टेड रहेंगे, बैटरी के टर्मिनल से। तो जब टर्मिनल्स को कनेक्ट करके हम लोग सेम वोल्टेज करते हैं तो वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना है कि वोल्टेज कांस्टेंट होगा, वोल्टेज कांस्टेंट यानी कि सेम, वोल्टेज कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसका ध्यान रखना है आपको। अब इतना आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूं। अब आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं और अब इसमें देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता कैसे है, न्यूमेरिकल कैसे बनता है ना। तो आज का जो पार्ट है उसमें इन सब से पहले मैं आपको एक चीज पूछूं कि यदि मैं बोलूं कि हमको आर ई क्यू ज्यादा चाहिए यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्यादा चाहिए, मेरे पास तीन रेसिस्टर है, एक है रेसिस्टर, तीन रेसिस्टर मेरे पास है, R1 है 1 ओम का, R2 है 2 ओम का और R3 है 3 ओम का, और मैं बोलूं कि इन तीनों को मतलब इन तीनों को आप कैसे कंबाइन करोगे कि सीरीज में या पैरेलल में, कि हमको REQ जो आए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आए, वो लोवेस्ट है, दूसरा हाईएस्ट है, मतलब कि किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में लोएस्ट आएगा या पैरेलल में लोएस्ट आएगा या किस में हाईएस्ट आएगा। तो हमारे पास है कि यदि हम लोग सीरीज की बात करें, जरा पहले निकाल लें तो खुद क्लियर हो जाएगा किस में ज्यादा होगा। सीरीज की बात करें तो REQ बराबर क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 + R2 + R3, यानी कि 1 ohm 2 ohm 3 ohm, तीनों को हम लोगों ने जोड़ दिया, 3 2 5 1 6 ohm, ठीक है।
कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सब क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं। तो अलजेब्रिक सम मैंने कर दिया आर ई क्यू निकालने के लिए। अब पैरेलल की बात करें, पैरेलल में हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वन बाई आर ई क्यू बराबर तीन टू है, तो वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री हो जाए। तो आइए वन बाई आर ई क्यू इज इक्वल टू वन बाई वन, आर वन का वैल्यू कितना था वन, फिर वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री। अब वन बाई आर ई क्यू इज इक्वल टू वन टू और थ्री कैल्शियम सिक्स, तो यहाँ हो जाएगा सिक्स प्लस यहाँ हो जाएगा टू थ्री जा सिक्स, तो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स और टू वन जा टू, कितना हो गया एलेवन बाई सिक्स। गौर कीजिएगा कि एलेवन बाई सिक्स क्या है, वन बाई आर ई क्यू एलेवन बाई सिक्स है। तो आर ई क्यू हमारा कितना हो जाएगा, इधर पलटे तो इधर भी पलटना होगा, सिक्स बाई एलेवन, यानी ये वन से भी कम हो गया और ये कितना है सिक्स है। आप लोगों के दिमाग में खुद अब क्लियर ही हो गया होगा कि हमेशा जब भी हमको हाईएस्ट वैल्यू चाहिए होगा तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू के लिए कौन सा प्रेफर करेंगे सीरीज, और लोएस्ट वैल्यू के लिए पैरेलल। इसलिए मैंने आपको ये न्यूमेरिकल मतलब ये कंसेप्ट बना के दिखाया, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि कैसे हुआ सारा, कि लोएस्ट कैसे हुआ हाईएस्ट कैसे हुआ। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में, और पैरेलल में अब आगे इसमें हम लोग करते हैं सीरीज और पैरेलल, तो हम लोगों को आ गया। अब ये पहचान करके बनाना, तो आज मैं एक क्वेश्चन आपको बना के देता हूँ, बनाता हूँ सामने आपके, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं आपको घर से बनाने के लिए देता हूँ, ठीक है। आप लोग उसको बना के देखिएगा कि बनता है या नहीं बनता है आपसे, यदि नहीं बने तो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में इसी का आंसर, जो भी आपको मैं आज देने वाला। देखिए एक क्वेश्चन है ऐसे, ये चार रेसिस्टर्स हैं, यहाँ छह वोल्ट के बैटरी से ये कनेक्टेड है, आर वन का वैल्यू यहाँ देखिए, आर वन का वैल्यू मैंने दिया है टू ओम, आर टू का थ्री ओम, आर थ्री का फोर ओम और आर फोर का फाइव ओम। अब आप यहाँ से देखिए, यदि आई करंट आ रहा है वो दो भाग में टूटेगा कि नहीं, यहाँ से आई वन इधर आई टू इधर। अब इन दोनों में आई वन गया, इन दोनों में आई टू गया, पहले ऊपर की बात करें तो आर वन और आर टू में सेम करंट जा रहा है, सेम करंट जाता है, तो वो रेसिस्टर्स कैसी में होते हैं, सीरीज में होते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर वन और आर टू हो गए, तो आर ई क्यू का क्या होगा, आर वन प्लस आर टू, हम लोग जोड़ देते हैं अलजेब्रिक सम, तो टू ओम प्लस थ्री ओम इक्वल टू फाइव ओम। अब ये फाइव ओम हो गए तो इनको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, हटा देता हूँ, और इनकी जगह हम लोग लिख देते हैं फाइव ओम को, ओके। तो दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी उससे। तो और आगे अब देखिए R3 और R4 को, R3 और R4 में भी I2 करंट ही जा रहा है, तो ये दोनों भी क्या में होंगे सीरीज में, तो इनको भी हम लोग जोड़ देंगे, तो R3 का वैल्यू 4 ओम, R4 का वैल्यू 5 ओम, दोनों को जोड़ दिया हमने तो ये हो गया 9 ओम। अब ये 9 ओम जब हो गया तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इन दोनों को यदि हम हटा दें
और इन दोनों के बदले हम लोग एक सिंगल रेसिस्टर लगा करके वहां लिख दें 9 ओम। ठीक है, 9 ओम हमने लिख दिया। अब जो बात है वो ये है कि अब हमारे पास दो रेसिस्टर सिंपली दिख रहे हैं, 5 ओम और 9 ओम। अब आप बताइए 5 ओम और 9 ओम क्या में है, सीरीज में है या पैरेलल में, कुछ सोच के बताइए। तो जब आप ऐसे सोचिएगा तो इन दोनों में देखने वाली बात है कि दोनों में करंट अलग अलग जा रहा है, लेकिन यदि इनके टर्मिनल्स पर हम ध्यान दें तो इनका एक टर्मिनल यहाँ है इनके दोनों तारों का और एक टर्मिनल यहाँ। मैंने बताया था कि टर्मिनल सेम होगा तो वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है रेसिस्टर में तो यानी वो कैसी में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका आर इक्यू निकालने का फॉर्मूला, तो 1/R eq बराबर 1/R1 + 1/R2। हम लोगों ने इसको ऐड किया, 45 दोनों का एलसीएम आया, 9 + 5 हो जाएगा 14/45। लेकिन हम लोगों को ये आया 1/R eq, हमको चाहिए R eq। तो R eq बराबर इसका रेसिप्रोकल हो जाए, इधर जब रेसिप्रोकल किया R eq के लिए उधर भी रेसिप्रोकल करना होगा, तो 45/14 डेसिमल में डिवाइड कीजिएगा तो 3.21। तो ये हो गया आपको एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। अब आपको मैं देता हूँ जो आप, अब एक क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए, उसको आप लोग बना के कोशिश कीजिए कि बन जाए, और नहीं बने तो फिर पूछिएगा। ये है 40 ओम का रेसिस्टर, इसके बाद यहां से ये 20 ओम, ये 60 ओम, यहां से हमने इसको कनेक्ट किया, बारह वोल्ट के बैटरी के साथ। अब आपको जो है इसमें बताना है, कैलकुलेट करना है R eq। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, ठीक है, और कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, गौर करना है कि ध्यान रखिएगा सीरीज और पैरेलल केवल देख के नहीं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि अरे ये तो पैरेलल दिख रहा है, मतलब पैरेलल लाइन टाइप का दिख रहा है, तो वो समझ बैठते हैं कि ये पैरेलल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कुछ जरूरी नहीं कि वैसा होगा। आप लोग एकदम फंडामेंटल से जाइएगा, करंट को देखिएगा, करंट सेम जा रहा है तो वो सीरीज में होगा, यदि करंट अलग अलग है तब वो पैरेलल में होगा, यानी कि वोल्टेज यदि सेम हो तब, और तब आप जा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग इसको अगले वीडियो में मैं देखूँगा, आप लोग इसको सॉल्व करके रखिएगा, ठीक है, और फिर इसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊँगा कल के वीडियो में, तक इसको समझिए आप लोग, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा।